जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश रहने के लिए 50 कारण होते हैं, और जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन एक नई सुबह और एक नई उम्मीद लेकर आता है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। अपनी पसंद के काम को खोजें और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती है, न कि कम होती है। आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगी। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह दिया आपके रास्तों को भी रोशन करता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही न करना। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी है। अगर आप अशांत हैं तो इसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि इसे अपने अंदर ढूंढिए। हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वही चीज़ों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। एक बात याद रखो कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। आप अपने विचारों को बदलें, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे।